एक तरफ सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए प्रयास कर रही है, पुलिस का शूटआउट अभियान चल रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा भी जारी है, तो दूसरी तरफ बदमाश यूपी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। बस्ती में बीती रात जो घटना घटी उसने यूपी पुलिस के बुलंद इकबाल पर करारा तमाचा जड़ दिया है। चुनौती देकर डकैती डालने की कहानियां आपने फिल्मों में तो देखी होंगी, आगाह करके लूट करने वाले डाकुओं के किस्से घर में बुजुर्गों की जुबानी भी सुने होंगे, क्योंकि तकरीबन 3-4 दशक पहले ही ऐसी घटनाएं होती थी। लेकिन हम जो आपको सुनाने जा रहे हैं ये कोई 200 साल पहले का वाकया नहीं है और न ही ये कोई फिल्मी कहानी है। ये यूपी के बस्ती जिले का ऐसा मामला है जहां डाकुओं ने बाकायदा पहले चिट्ठी चिपका कर घोषणा की और उसके बाद डाका डाल दिया। बस्ती में मुंडेरवा थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार की रात लुटेरों ने एक घर पर धावा बोल दिया, वृद्धा की गर्दन पर छुरी रखी और गहने और नकदी लूट ले गए। वृद्धा ने घटना को बयां करते हुए बताया कि लुटेरों ने कैसे वारदात को अंजाम दिया। ताला पता नहीं तोड़ दिन की काट दिन है, ओकरे बाद कल हम अंदर सोई रहे, बस ओकरे बाद सिटकिन ऐसे किन हम कहने के गांव के ऐसा हुए, ओकरे बाद कल जब ऐसे सिटकिन छोड़े तब घर में हली गई, घर में से कल छुरी चलाए दिन गटे हमारे कहीं कल की नाई जो देव तो मार हरब तो हम निकाल निकाल सब। कौन लोग चलाए थे छुरी? जो लोग घर में हले रहे हैं। कितने लोग थे? काबला की 3 जने हला रही है, 5 जने कान के, 5 जने 4 जने बहरे रही है, 10 जने बहरे रही है। ओकरे बाद हमारे आँखी चौना गई, सामान सब निकाल निकाल हम काने मकर नुकना मकर और काबला की पायल 20,000 रुपया निकाल के हम सब दे दिए हैं, तो कहीं जाए लगे तो कहीं गुहा लगे भी तो मार ढारब। एक तरफ पीड़िता के बयान से ये घटना लूट की प्रतीत हो रही है तो दूसरी तरफ पुलिस उसे संदिग्ध चोरी की वारदात बता रही है। जिले के एसपी ने घटना की जानकारी देते हुए इसे चोरी करार दिया और जल्द ही खुलासे की बात कही है। 1 जनवरी को थाना मुंडेरवा में एक चोरी की सूचना मिली जिसमें श्री ललित मोहन पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र निवासी ग्राम ओडावरा की तहरीर पर धारा 457-380 में चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। कुछ न्यूज चैनल्स द्वारा इसको डकैती के रूप में दिखाया जा रहा है। मौके पर सर्कल ऑफिसर एफएसएल टीम द्वारा विजिट किया गया। डकैती जैसी घटना की कोई बात नहीं है, कोई फोर्स एंट्री का निशान नहीं है, घर में अन्य सदस्य भी मेंबर थे जिनको घटना की जानकारी नहीं थी। सभी पहलुओं से घटना की जानकारी की जा रही है, घटना कुछ संदिग्ध भी प्रतीत हो रही है, सभी पहलुओं से जानकारी की जा रही है, शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। फिलहाल इस घटना के बाद से चारों तरफ दहशत का माहौल बना हुआ है। कुछ दिन पहले मुंडेरवा थाने के छपिया लुटावन में लूट की चेतावनी देते हुए पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन तब पुलिस ने इसे खुराफाती तत्वों की अफवाह बताते हुए पल्ला झाड़ लिया था। देखिए, दरअसल जब भी कोई इस तरीके की गतिविधियां होती हैं या इस तरीके की एकाध घटनाएं होती हैं तो कुछ खुराफाती तत्व अपनी तुच्छ स्वार्थ के लिए भी समाज में कुछ अफरा तफरी की स्थिति फैलाने के लिए अफवाह फैलाने का प्रयास करते हैं। हम आपके माध्यम से समस्त बस्ती के वासियों से अपील करना चाह रहे हैं, उनसे गुजारिश करना चाह रहे हैं कि नंबर एक तो ये है कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है, किसी तरीके की कोई अफवाह कोई फैला रहा है इसकी चीज़ें भी लोगों के द्वारा पुलिस को बताया जाए, अपने लोकल पुलिस स्टेशन को बताया जाए और अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए, पुलिस आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर है। फिलहाल घटना के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, दूसरी तरफ इस घटना को पुलिस के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है। अब देखना अहम होगा कि पुलिस की पड़ताल में क्या कुछ सामने आता है। इंडिया पब्लिक खबर के लिए बस्ती से संवाददाता तौफीक खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।